हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिमूव टू टू, जिसको यूज सो दैट ये दूसरा नाम भी दिया गया है। तो उसके कुछ रूल्स समझते हैं, कई रूल्स है रिमूव टू यूज सो दैट से, अपन बघूया व्हिडिओ मध्ये। आई शैल दीपक राय फ्रॉम योर क्लासेस, सो लेट स्टार्ट। टू च्या ऐवजी सो गया है, ये टू निकाल देना है, उसके जगह सो लेना है। रिप्लेस टू विद सो, रिप्लेस कर देना है, टू निकाल देना है, उसके जगह सो लिखना है। टू चाहे वजी डैट गया, दूसरा टू निकालने का, उसके जगह डैट लेना है। रिप्लेस टू विद डैट, दूसरा टू चाहे डैट गया। जर वाक्यात इन्फिनेटिव च्या पूर्वी फॉर ची रचना असेल, अगर इन्फिनेटिव के पहले अगर फॉर की अगर कुछ वर्ड रहा, फॉर मी, फॉर आई, फॉर अस, तो क्या चेंज करने का। बिफोर इन्फिनिटिव द सेंटेंस हैज क्या क्या चेंजेस है देखिए। फॉर मी आया तो दैट आई लिखना है, फॉर यू आया तो दैट यू लिखना है, फॉर अस आया तो दैट वी लिखना है, फॉर देम आया तो दैट दे लिखना है, फॉर हिम आया तो फॉर ही लिखना है, फॉर हर आया तो दैट शी लिखना है। जर वाक्याच्या पूर्व भागात जर एम एज आर हॅव हॅज हे सायकारे क्रियापदार असेल, मतलब सेंटेन्स के पहिले टू के पहिले अगर एम एज आर वॉज वेअर एम एज आर हॅव हॅज आहे तर कांट वापरावे, म्हणजेच वाक्य वर्तमानकाळे असेल तर कॅनॉट वापरावे। कांट या कॅनॉट दोनों में से यूज कर सकते, जो प्रोनाउन लेगा दॅट के बाद में, ही शी जो लेगा उसके बाद में। इफ द सेंटेन्स इज इन प्रेझेंट टेन्स यूज कॅनॉट, प्रेझेंट टेन्स में तो कॅनॉट यूज करना है। जर पूर्व भागात वॉज वेअर हॅड आले असेल तर सायकारिक क्रियापद असेल तर कुडंट वापरावे, म्हणजे भूतकाळ असेल तर कुड नॉट वापरायचं आहे। इफ द सेंटेन्स इज इन द पास्ट टेन्स तो कुड नॉट यूज कर सकते। वाक्याचा कर्ता जर नपुसकलिंगी असेल तर कर्ता म्हणून इट वापरतात, अगर न्यूट्रल जेंडर है तो उसके लिए हम इट लेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल जेंडर यूज इट, इट ले सकते। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग क्लियरली, पहला रूल टू निकालने का, सो लेने का, दूसरा टू निकालने का, दैट लेने का। देखिए इट वॉज सो डार्क दैट आई कुड नॉट सी एनीथिंग। आई फॉर मी के लिए आई आया यहाँ पर। द पिक इज टू हाई टू क्लाइम, बघा इज आलेला आहे म्हणजे प्रेझेंट टेन्स आहे। पहिला टू काढायचा, दुसरा टू काढायचा। द सेंटेन्स द पीक इज सो हाय दॅट वी कॅनॉट क्लाइम। कॅनॉट आणि कुड नॉट टू वापरायचं, एवढं लक्षात ठेवा। प्रेझेंट टेन्स आला कॅनॉट, पास्ट टेन्स आला कुड नॉट। पहिला टू काढायचा त्याच्यात सो वापरायचा, दुसरा टू काढायचा दॅट वापरायचा। राज इज टू वीक टू वॉक, देखिए पहिला टू निकालने का, उसके लिए सो, दूसरा टू निकाल दिया दैट। राज बॉय इसलिए ही आया, प्रेजेंट टेंस इज आया इसलिए कैन नॉट लिया है वॉक। अभी इज टू इल टू वेक अप, पहला टू निकल जाता है उसके लिए सो इल, दूसरा टू निकल के दैट, प्रेजेंट टेंस इसलिए कैन नॉट आया, अभी बॉय इसलिए ही आया। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, देखिए इट इज सो कोल्ड दैट वी कैनॉट गो आउट, प्रेजेंट टेंस के थे इसलिए इज के लिए हमने कैनॉट लिया है। राहुल इज टू शाई टू स्पीक इन द क्लास, राहुल इज टू निकल के सो आ गया, दूसरा टू निकल के दैट आ गया, राहुल के लिए ही आया, प्रेजेंट इसलिए कैनॉट आया, बचे हुए वर्ड्स वैसे के वैसे ले लिया। नेक्स्ट द बर्डन इज टू हेवी टू लिफ्ट, द बर्डन वॉज आया है, वॉज मतलब पास्ट टेंस है। पहला टू निकल गया, सो लिया, हेवी फॉर मी, फॉर मी आया तो डैट आई लिखना है, पहले रूल्स में हमने देखा था। फर्स्ट टेंस इसलिए कुड नॉट,
लिफ्टेड. ग्रँडमदर वॉज टू ओल्ड टू वॉक. बघा, पहिला टू काढला, सो वापरला. दुसरा टू काढला, दॅट वापरला. ग्रँडमदर वॉज, पहिला टू काढला सो, दुसरा टू काढला दॅट. ग्रँडमदर आहे म्हणून शी घेतला, वॉज आलाय म्हणून कुड नॉट घेतलाय. शी वॉज टू बिझी टू रिअलाइज इट. देखिए जिन को नहीं समझा उनके लिए फिर से बता रहा हूँ. पहला टू निकालने का सो यूज करने का, दूसरा टू निकालने का दैट यूज करने का. दैट के बाद में जो बिगिनिंग का सब्जेक्ट है वो वैसे के वैसे लेने का, जैसे शी है, वॉज आया इसीलिए कुड नॉट रियलाइज इट. ही वॉज टू क्रूएल टू फॉरगिव देम. कोशिश कीजिए, अगर मन में आंसर आ रहा है तो आप मन में आंसर बना सकते हो. देखिए क्या आंसर आया, ही वॉज सो क्रूएल दैट ही कुड नॉट फॉरगिव देम. नेक्स्ट है, दे वर टू लेजी टू फिनिश द वर्क इन टाइम. दे वर सो लेजी दैट दे कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम. ही इज टू प्राउड टू बेक. प्रेजेंट टेंस, सिर्फ आपको टेंस फाइंड आउट करना है. कैन नॉट, कुड नॉट क्या यूज करना है, पहला वो देख लो, मतलब बाकी इजी है. ही इज, पहला टू निकल के सो, दूसरा टू निकल के दैट. उसके बाद में प्रोनाउन यूज किया ही, प्रेजेंट इसीलिए कैन नॉट बेक. टॉपिक अगर क्लियर हुआ होगा तो एक एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. ही इज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. आ रहा है तो आप लिख सकते हो. अगर आप चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ नाइस डे.